नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। आई एम MBBS MD फार्माकोलॉजी। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्पेशली दोनों सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखेंगे। सो सिंपल बेसिक देखते हैं हम। दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये इनवॉल्यूंट्री इन नेचर होता है, इनवॉल्यूंट्री इन नेचर। वेयर एज सोमेटिक सिस्टम होता है, वो वॉल्यूंट्री होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में देखा होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री, आप देखो, जैसे कि सब कुछ करो, कभी हमारा हाथ अचानक किसी गर्म चीज पे लग जाता है तो इमिजिएटली हाथ हटा लेते हैं हम। तो ये कौन सा सिस्टम होता है? ये होता है सोमेटिक सिस्टम। कैसे? कि जैसी गर्म लगा इमीडिएटली एफरेंट फाइबर से सिग्नल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गए और वहां से इफरेंट फाइबर के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को गए और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने हाथ हटा लिया, ठीक है। तो ये हमारे वॉलंटरी नेचर था इसका एक्शन का। तो दिस इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कैसे? सपोज करो आप कोई एग्जाम का वाइवा देने गए, ठीक है ना। कोई इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई आपको, या आपने सपोज करो स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो तो एकदम आप घबरा जाते हो, आपको टैकीकार्डिया हो जाता है, मतलब हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है और पाल्पिटेशन हो जाता है, जैसे आपको सुनाई देती है खुद की हार्ट रेट। तो उसमें आप लोग, आपने कुछ नहीं किया है, इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस, ओके, क्योंकि आपका सिंपेथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया था। तो दिस इज एन इनवॉलंटरी इन नेचर, तो वो होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम तीन में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक होता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तीन सिस्टम होते हैं इसके, पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम ये GIT के अंदर होता है, ये सेपरेट, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो मेन इसके पार्ट है, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो आप ये देखोगे दोनों जो पैरासिंपैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। कि कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन फार्माको पैरासिंपैथेटिक से हो रहा है तो उसका अपोजिट सिंपैथेटिक से होगा, ठीक है ना। एक तो सिंपल से है, तो दोनों का एक बैलेंस बनकर रहता है बॉडी के अंदर, दोनों बैलेंस बना के रहते हैं और बॉडी अपना काम करती रहती है, ठीक है। बट एक क्या चीज होती है कि इन सिस्टम को, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जब रेस्टिंग फेज में हम लोग होते हैं, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स फेज में, तो हमारा पैरासिंपैथेटिक टोन बॉडी के अंदर ज्यादा डोमिनेंट करती है, ठीक है ना। इसीलिए पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हमें मोटा मोटा याद रखो, हमेशा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की टोन ही डोमिनेंट रहती है, ठीक है ना। तो फिर सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? तो सिंपैथेटिक सिस्टम आप देखो कि ये ई सिचुएशंस में एक्टिव होता है। ई सिचुएशंस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन कौन सी सिचुएशन है? जैसे जैसे आप लोग जब वाइवा देने जाते हो, ठीक है ना, तो आप एकदम वाइवा देने के और आप घबरा रहे होते हो, तो एक तो वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो गई। तो ई सिचुएशन में कौन कौन सी आती हैं? सपोज करो, जो कॉमन एग्जाम्पल हम देते हैं कि सपोज करो अचानक आपके सामने लाइन आ जाए, ठीक है, या यदि आप देखो जैसे कोई बॉय है वो गर्ल को प्रपोज करने जा रहा है उस टाइम पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ई सिचुएशन कौन कौन सी होगी? लाइक इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, ओके, या एक्सरसाइज करते समय, एक्सरसाइज और एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट, कोई एम्ब्रेसमेंट सिचुएशन आ गई, ओके, ये ई सिचुएशंस हो गई। और क्या होती है? स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी, जैसे पैनिक अटैक, बहुत ज्यादा आपको एकदम एंजाइटी हो रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओके, इस वाली सिचुएशन। और हाइपोग्लाइसीमिया, ये कौन सी होती है हाइपोग्लाइसीमिया? आप बाद में देखोगे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन ले रहे हैं या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स में, तो उनको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो उस वाली सिचुएशन में भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। और थायरॉयड स्टॉर्म, थायरॉयड स्टॉर्म, ओके, ये थायरॉयड स्टॉम भी आप आगे देखोगे, इसमें भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, ओके। और एप्रेंशन, कोई डर लग रहा है आपको, जैसे कि लॉइन आ गया आपके सामने,
ठीक है, अचानक क्या करना है आपको, तो आप उस समय क्या करोगे, या तो फाइट करोगे लॉयन से, या फ्लाइट करोगे, या भाग जाओगे, ठीक है, या तो फाइट करोगे लॉयन से आप, तो फाइट तो करोगे नहीं, भागोगे, फ्लाइट करोगे, तो वो सिंपेथेटिक सिस्टम क्या करता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, और ये सिंपेथेटिक सिस्टम एक्चुअली जो स्टिमुलेट होता है ना, ये नेचर ने, दिस इज एडेप्टरी मैकेनिज्म, तो वो आपको इस तरह के बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं कि आपको वो फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है, ठीक है, इसीलिए सिंपेथेटिक सिस्टम को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। ओके, तो क्लियर हो गया आपको, तो ये दोनों सिस्टम के बारे में। नाउ कम टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ पैरासिंपेथेटिक सिस्टम एंड सिंपेथेटिक सिस्टम। अब आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता हूं कि आप बताओ पैरासिंपेथेटिक वर्सेस सिंपेथेटिक, इसमें कौन सा सिस्टम स्टिमुलेटरी है? आपसे मैं जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सा सिस्टम स्टिमुलेटरी है? जो भी आपने इसमें, मैं कहूंगा पैरा सिंपेथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है, जबकि लगता है ये ना कि सिंपल सिस्टम स्टिमुलेटरी होता है, बट ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ द ऑर्गन पैरा सिंपेथेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटरी, ठीक है। अब मैं आपको जो फॉर्मूलेस बता रहा हूं, वो केवल हम उन एक्शंस को याद करने के लिए वो फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है ना, और इसके बाद हम उन फॉर्मूले जो होंगे उनसे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को डेराइव करेंगे, ठीक है ना। जैसे समझो मैंने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा है पैरा सिंपेथेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है। क्या मैंने बोला, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या है, पैरा सिंपेथेटिक इज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हार्ट पे इसका कैसा एक्शन है, डिप्रेसेंट है बस। ओके, हार्ट पे डिप्रेसेंट एक्शन है इसका, ठीक है, हार्ट पे ब्रेडिकार्डिया करेगा और कंडक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया करेगा, हार्ट रेट कम करेगा और कंडक्शन कम करेगा, ठीक है। बाकी जितने भी प्लेसेस है, रेस्ट ऑफ द प्लेस, उनमें स्टिमुलेटरी है, ठीक है, क्लियर। इसी के वाइस वर्सा हम उल्टा करें तो सिंपैथेटिक इज इनहिबिटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम ही चीज आ गई, मैंने बताया था एंटागोनिस्ट टू ईच अदर है, तो पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेटरी सब जगह है, तो सिंपेथेटिक इनहिबिटरी सब जगह, एक्सेप्ट हार्ट, एक्सेप्ट हार्ट, तो मतलब हार्ट को छोड़ के बाकी जगह इनहिबिटरी, मतलब हार्ट पे क्या है इसका, स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, तो हार्ट पे क्या हो जाएगा, हार्ट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ा देगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हार्ट के कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ा देगा। क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट कैसे बढ़ाएगा, एसे नोड पे काम करके, ओके, और कंडक्शन बढ़ा देगा, कंडक्शन कैसे, एसे नोड से एबी नोड जाएगा, तो एबी नोड से कंडक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हार्ट पे स्टिमुलेटरी हो गया और बाकी के ऑल प्लेसेस भी इनहिबिटरी है, तो बाकी के प्लेसेस क्या है, ठीक है, इसको आप देख लो एक बार, तो आप यहां लिखूंगा पैरासिंपेथेटिक और यहां लिखूंगा सिंपेथेटिक, ठीक है। तो हार्ट में लिख दिया मैंने सबसे पहले, हार्ट के अंदर क्या होगा, पैरासिंपेथेटिक इनहिबिटरी है, ये स्टिमुलेटरी, ठीक है। बाकी सब प्लेसेस कौन कौन से, जैसे कि जीआईटी, फेवर जीआईटी में पैरासिंपेथेटिक कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाएगा, ठीक है, ये जबकि रिलैक्स करेगा, तो ये इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाएगा, ये इंटेस्टाइनल को रिलैक्स करेगा, ठीक है। सेकेंड प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर ये क्या करेगा, मायोसिस करेगा और ये क्या करेगा, मिट्रियासिस करेगा, ठीक है, ये मायोसिस करेगा, ये मिट्रियासिस करेगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के अंदर क्या करेगा, यूरिनरी ब्लडर के अंदर क्या करेगा, ये इंक्रीज मिक्सुरेशन करेगा, ठीक, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा के इंक्रीज मिक्सुरेशन करेगा, जबकि ये इनहिबिट करेगा, ठीक है, ये इंक्रीज मिक्सुरेशन बढ़ाएगा, ये इनहिबिट कम करेगा, ठीक है। सीक्रेशंस, ऑल सीक्रेशन इंक्रीज बाय पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, ठीक है ना, ऑल सीक्रेशन इंक्रीज बाय सेरोटोनिन, इसमें सीक्रेशंस कम होते एक्सेप्ट स्वेटिंग, स्वेटिंग का अभी हम बताएंगे कैसे, स्वेटिंग का, क्योंकि स्वेटिंग के जो फाइबर्स होते वो सिंपेथेटिक फाइबर्स होते, बट
न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है ना। इसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस में आप देखो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और ये ब्रोंको डायलेशन करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल से इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि हार्ट के अंदर तो ये डिप्रेशन, बाकी सब जगह जीआईटी में स्टिमुलेटरी, प्यूपिल में मियोसिस करता है स्टिमुलेटरी, यूरिन बिल्डर के अंदर स्टिमुलेटरी, इंक्रीज मैच्योरेशन, ठीक है, सीक्रेशंस बढ़ा देता है एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेयर एज ये जीआईटी रिलैक्सेशन, मिट्रियासिस, अभी देखो सेम इसकी अपोजिट एक्शन हो रहा है, ठीक। बट क्या है ये याद करने के लिए, अभी एक फॉर्मूला और आएगा जो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम किस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं या निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसी सिंपैथेटिक सिस्टम में कौन सा होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो इनके बेस पे आप देखोगे कि एक फॉर्मूला और हमने बनाया हुआ है, उसको आप देखो। सेकंड क्या है, अल्फा, अल्फा मतलब सिंपैथेटिक फाइबर की बात करें। अब सिंपैथेटिक का मैंने पहले बताया इनहिबिटरी एट ऑल प्लेसेस, पर क्या है इसका एक और सब फॉर्मूला है जो सिंपैथेटिक के एक्शंस को बता देगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो के अंदर सिंपैथेटिक के एक्शंस को वैसे बताया हुआ है एक स्टोरी फॉर्म में, वो आप उसमें देख लेना। बाकी अब इसके बाद इसमें हम उसको उससे कोरिलेट करेंगे हम बाद में इसको, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला है मेरा, अल्फा इज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट इंटेस्टाइन। अब आप समझो इसको, मैंने क्या बोला है, अल्फा इज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट इंटेस्टाइन। अब आप समझो, अभी अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं सेंटेंसेस दोनों। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि सिंपैथेटिक इनहिबिटरी एट ऑल प्लेसेस हो रहा है, और फिर आप सिंपैथेटिक के रिसेप्टर जो अल्फा है आप ये करोगे अल्फा स्टिमुलेटरी है। हाँ, अभी रिलैक्स मैं बताता हूं। इसके बाद इसका ही सब फॉर्मूला है। अब आप देखो इसका ही, अब चूंकि अल्फा स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में रिलैक्सेशन करेगा, ये बात पक्की है। अब ये बात समझ जाओ, यदि मैं एक और सब फॉर्मूला आपको बताऊंगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो डेफिनेटली ये होगा कि बीटा इज इनहिबिटरी, इनहिबिटरी और रिलैक्सेंट एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट क्या होगा, हार्ट, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया सिंपैथेटिक। अब आप समझ गए होंगे कि सिंपैथेटिक इज इनहिबिटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट, इसी फॉर्मूले के दो सब फॉर्मूले हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक के दो रिसेप्टर होते हैं अल्फा और बीटा। तो बीटा इज इनहिबिटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट, ये तो बिल्कुल क्लियर इसी के साथ ही हो रहा है, बट अल्फा एक ऐसा है जो स्टिमुलेटरी ऑफ ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट द इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो ये यदि इनके एक्शन हम अल्फा के स्टिमुलेटरी एक्शन को याद कर लें केवल, तो बाकी जितने भी सिंपैथेटिक के एक्शन है वो सब इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको देखना कि किस तरह से अल्फा के एक्शंस होते हैं। तो आप अल्फा के स्टिमुलेटरी प्लेसेस देख लो। अल्फा का सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखो, अल्फा क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ये क्या करता है, बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, स्टिमुलेटरी चल रहा है। अल्फा क्या करता है ब्लड वेसल्स में बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके और बीपी इंक्रीज करता है, पहला। सेकेंड, ये रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेडियल मसल ऑफ, रेडियल मसल कहां पे होती है, प्यूपिल, ठीक है सर, रेडियल मसल जो आयरिस में है, ठीक है, तो प्यूपिल उससे क्या हो जाता है, रेडियल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, रेडियल मसल इज प्रेजेंट इन द आयरिस, इसके कॉन्ट्रेक्शन से क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये मिट्रियासिस हो जाता है, क्लियर, मिट्रियासिस हो जाता है, ठीक है। तीसरा, ये यूरिनरी ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर में ये ट्राइगोन होता है, ट्राइगोन, ट्राइगोन मतलब जो यूरिनरी ब्लड का स्फिंक्टर होता है, यूरिनरी ब्लड के स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, यूरिनरी रिटेंशन, यहां कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज किया और यूरिनरी रिटेंशन किया, रिटेंशन किया, ठीक है। और क्या करता है ये क्या करता है, सीलियरी ब्लड वेसल, जो सीलियरी ब्लड वेसल्स होती है, सीलियरी ब्लड वेसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्वस ह्यूमर के सीक्रेशंस को कम करता है, एक्वस ह्यूमर के सीक्रेशन को कम करता है, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इजेकुलेशन, इजेकुलेशन, इजेकुलेशन करता है। आप ये समझो पैरासिंपेथेटिक सिस्टम तो इरेक्शन करता है,
और सिंपल सिस्टम क्या करता है, इजैकुलेशन करता है, ठीक है। अब इजैकुलेशन कैसे करता है, ये सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स एंड बास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल बास डेफरेंस, इनके कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा क्या ये इजैकुलेशन करता है, ठीक है ना। सेमिनल वेसिकल और बास डेफरेंस, इनमें अल्फा रिसेप्टर होता है और कॉन्ट्रेक्शन होता है उनका, और कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रेक्शन से इजैकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अल्फा आप देखो स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस, स्टिमुलेटरी एक्सम इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में क्या करेगा ये रिलैक्सेशन करेगा, इंटेस्टाइन में क्या करेगा ये रिलैक्सेशन करेगा, तो इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर देगा और बाकी सब जगह स्टिमुलेटरी है। देखो ब्लड वेसल्स में बीपी बढ़ा दिया, रेडियल वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करके पीपल को डायलेट करके मिट्रियासिस कर दिया, रूरोमीटर के अंदर ट्राइगोन स्फिंक्टर करके यूरिनरी रिटेंशन कर दिया, और सीलियरी बॉडी से इसने एक्वस ह्यूमर को ये कर दिया, और इजैकुलेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने आपको बताया बीटा इज इनहिबिटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट, तो बीटा और कहां कहां पे होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कहां कहां पे बीटा आप देखो, तो हार्ट के अंदर तो पता ही है बीटा क्या करेगा, हार्ट के अंदर बीटा स्टिमुलेट करेगा, ये तो पता ही है क्योंकि सिंपल सिस्टम स्टिमुलेट करता है, और बाकी सब जगह रिलैक्स करेगा, कौन कौन सी जगह रिलैक्स करेगा आप देखो, ब्रोंको डायलेशन करेगा, ब्रोंको डायलेशन करता है, ठीक है ओके। और बेसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स में क्या करेगा ये बेसो डायलेशन करके ये बीपी को कम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके एक्शंस इंटेस्टाइन, और इसमें एक और है इंटेस्टाइन को रिलैक्स करेगा, इंटेस्टाइन रिलैक्स करेगा, और एक और यूट्रस, जो प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस है उसको रिलैक्स करेगा, तो टोकोलिटिक जो एक्टिविटी है वो भी करेगा, ठीक है। तो जितने भी एक्शंस लगभग आप देखोगे पूरे के पूरे एक्शंस इसके रिलैक्सेशन वाले होते हैं, ठीक है। पहले रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करेगा, रिलैक्स करेगा ब्रोंकियल, ब्रोंको डायलेशन करके, ठीक है, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करेगा। सेकंड, ब्लड वेसल्स में बेसो डायलेशन करके बीपी कम करेगा, इंटेस्टाइन को रिलैक्स करेगा, अल्फा भी रिलैक्स कर रहा था ये भी रिलैक्स कर रहा है, यूट्रस को रिलैक्स करेगा, प्रेग्नेंट यूट्रस को रिलैक्स करेगा, तो क्या टोकोलिट इफेक्ट है, टोकोलिट इफेक्ट है, ठीक है ना, टोकोलिटिक इफेक्ट आ जाएगा ओके। और आप ये देखो अल्फा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या कर रहा था, रिटेंशन कर रहा था, ये जबकि क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में ये जो डिट्रूसर मसल है, जो मेन मसल है डिट्रूसर है, उसको रिलैक्स करेगा, उसको रिलैक्स करेगा। तो इसने इंटेस्टाइन को रिलैक्स किया, एवरी इन एवरी प्लेस द बीटा इज कॉजिंग रिलैक्सेंट एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें आपको ये रिसेप्टर सबटाइप वाला इसके बाद देखेंगे, तो अभी यहां तक के लिए।